गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस मेक अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. इट मीन्स वो प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर एक नया सब्सटेंस, एक नए केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सब्सटेंस बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर. इन दिस रिएक्शन आई वांट टू से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू गिव वाटर एंड द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दीज टू सब्सटेंसेज टू मेक अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. यानी इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने का प्रोसेस है वाटर बनाने के लिए, वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है. एंड वन मोर थिंग, इट कांट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड. यानी अगर मैं इसको आपको एक अपनी सिंपल लैंग्वेज में, अपनी सिंपल डेली लाइफ में आपको जोड़कर बताऊँ, तो कर्ड बन जाता है हमारा मिल्क से. यानी ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हमारा मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में. लेकिन अगर आप उसको वापस रिकन्वर्ट करना चाहें कर्ड से मिल्क में, तो आप उसको एक फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल मेथड हियर स्टूडेंट्स? आप सभी 9th क्लास में फिजिकल मेथड पढ़ चुके हैं. फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, दीज ऑल आर फिजिकल मेथड. तो आप लोग फिजिकल मेथड से कर्ड को वापस मिल्क में चेंज नहीं कर सकते. सो द केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड. नाउ कम टू द केमिकल इक्वेशन. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? जब मैं इस चीज़ को बोलती हूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता है. इस चीज़ से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो हमारे ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो यूज़ हमारे सब्सटेंसेस हैं उनके सिंबल्स की मदद से इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया, जिस चीज़ को क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन क्या होती है? द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. यानी जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, जब आप उनको सब्सटेंसेस के सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर देते हो पेपर के ऊपर, तो वो क्या बन जाती है? आपकी केमिकल इक्वेशन बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, H2 plus O2 equals to 2H2O. Now the parts of chemical equation. Chemical equation has two parts, reactants and product. The substance which is on the left side is called reactants, and the substance which is on the right side is called product. यानी जब हम किन्हीं दो रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो वो एक प्रोडक्ट या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जिस चीज़ को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन कहा जाता है. और जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स की मदद से पेपर पर रिप्रेजेंट कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है? केमिकल इक्वेशन. थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.